हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मैक्स 101। आज हम जा रहे हैं आरसी स्टार्ट करने, देखते हैं स्टार्ट होती या नहीं। काफ़ी दिनों से स्टार्ट नहीं हुई है ये। करीब मैंने 30 तारीख को स्टार्ट की थी, मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी कि मैंने अपनी बाइक कैसे धुली, क्लीन कैसे की, पूरा इस पॉकेट कैसे क्लीन किया। तो एक बार देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जानी चाहिए, पर हो भी सकता है कि डेड हो गई हो। अभी तो सही दिखा रही है मीटर, साइड स्टैंड डाउन। ओ लग रहा कुछ हो गया है, आई थिंक बैटरी डेड हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत आ गई है इसमें। लग रहा बैटरी डेड हो गई है, वो बैटरी डेड हो गई है। तो अब हमें पहले बैटरी निकालनी पड़ेगी बाहर, फिर उसको चार्ज कर करना पड़ेगा, या फिर मेरे पास दूसरी बैटरी है तो मैं उसे पुश कर सकता हूँ। मतलब उस बैटरी को इस पर रख के प्लस वाला प्लस में और नेगेटिव वाला नेगेटिव में टर्मिनल पे रखूँगा, तो फिर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बैटरी का पैक खोलने के लिए पहले आपको ये वायर है, इसको हल्का सा पुश करेंगे तो यहाँ से ये खुल जाएगा, मतलब निकल जाएगा, फिर आप निकाल सकते हैं। तो ये हमें पहले बैटरी ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब इस पर इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, इस पर दूसरी बैटरी रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल पे। फिर एक बार स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट हो होती है या नहीं। फिर तो हम ड्यूक से निकालेंगे बैटरी, कि यहीं साइड में खड़ी है, आरसी और ड्यूक एक साथ ही रहती है। तो इसकी बैटरी तो यहाँ पे है, के लिए भी हमें सीटी निकालनी पड़ेगी पहले। सीट यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ से इसको बैक कर निकाल सकते हैं सीट यहाँ से, और ये यहाँ से आराम से उठ गई। तो इसकी बैटरी यहाँ पे है, इससे बैटरी निकाल के फिर से हम पुश दे सकते हैं। ये बैटरी निकल गई है, तो इसको इस पर रख के पुश स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पॉजिटिव लिखा, देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पे पुश। स्टार्ट हो गई है, अभी आवाज़ तो कर रही है। चलिए थोड़ी देर इसको लगे रहने देते हैं, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर उसके बाद चला के देखते हैं। वो फट गया, तो इस बैटरी को वापस हम वहीं लगा देते हैं जहाँ से निकाला है। तो बैटरी लग गई है, अब इसको हम वापस लगा देते हैं। अभी वापस ले लेते हैं, इसका काम हो गया है। यहाँ पे आरसी स्टार्ट हो गई है, अब तो इंजन भी गर्म ही हो गया है, अब आधा गर्म हो गया है।
सकते हैं, वार्निंग सिग्नल है क्योंकि स्टैंड डाउन है, फ्यूल लो लेवल में भी है। तो थोड़ी देर स्टार्ट रहने देते हैं बैटरी ताकि चार्ज हो जाए। इसकी बैक सीट को भी वापस लगा देते हैं इसे। तो अभी तक बैटरी चार्ज हो गई होगी, अब ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं हुई होती, तो चलिए एक बार चला के देखते हैं। इंजन भी काफ़ी गर्म ही हो गया है। तो आप, अगर आपकी बाइक में भी ऐसा होता है तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बैटरी बस डिस्चार्ज हो जाती है, आपको चार्ज कराना है। आप अगर शॉप पे भी ले जाएंगे तो वो चार्ज कर देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि बैटरी आपकी डेड हो गई है, तो आपको नई डलवानी पड़ेगी ताकि उनसे आप नई बैटरी ख़रीद लें और उनका प्रॉफिट हो जाए और वो आपकी बैटरी बाय कर लेंगे और उसको किसी और को रीसेल कर देंगे। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस ले जाइए आराम से उसको चार्ज। पहले वो कुछ भी बोले उनसे कहिए भैया चार्ज कर दिए आप, ख़राब होगी तो हम लेके आ जाएंगे। तो एक आध दो घंटे में चार्ज हो जाती है। अभी अच्छी चल रही बाइक, काफ़ी गर्म हो गई, इसका मतलब कूलेंट बहुत कम है, तो अभी मुझे इसमें ला के डालना पड़ेगा। तो अभी बहुत एकदम जैसे नॉर्मल पहले चलती थी वैसे ही चल रही है।